देखिए साथियों, ये जो है अपना लेवल है, ये जो आपको दिख रहा है ये अपना लेवल है, ठीक है। और 122-123 पे अपना एंट्री रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं 123 होता है कि नहीं होता। 122 पॉइंट कुछ, 123 जब तक नहीं होता है तब तक अपने को एंट्री नहीं होगा। तो 123 के अंदर गुड स्लो। तो साथियों आप देख सकते हैं कि अपने को एंट्री यहाँ पर 123 पे मिल चुका है, वो भी कॉल साइड में मिला है। इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि कॉल साइड में 123 के ऊपर अपने को एंट्री मिला है। अब यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे और देखते हैं कि मार्केट किस हिसाब से बिहेव करता है और किस हिसाब से अपने को प्रॉफिट देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना 123 पे अपनी एंट्री है, और 123 से 5 पॉइंट अगर आप नीचे चलते हैं तो 123 से 5 पॉइंट अगर आप नीचे चलते हैं तो 118, ओके। सो 118 पे अपना स्टॉप लॉस आ जाएगा। तो यहाँ पर चलो कर लेते हैं हम स्टॉप लॉस सेट 118 पे। तो सखी ये रहा अपना स्टॉप लॉस का आइडिया, ठीक है। तो ये अपना स्टॉप लॉस का आइडिया है, क्योंकि हम आपको पता होगा कि जब भी मार्केट में मोमेंटम आता है तो वो मोमेंटम आता कब है, क्यों वजह से आता है, किस वजह से आता है, ये सारे चीज़ हम लोगों को पता होता है, ठीक है। सो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वेट करके अब देखना है, या तो मुझे मेरा स्टॉप लॉस मिले या तो मुझे मेरा टारगेट मिले। कम से कम 128 तो लेकर के जाएंगे, अगर मार्केट वो मूव नहीं होगा तो 128 यानी कि 5 पॉइंट के आसपास का अपना टारगेट पहला होगा। तो 128 यहाँ पे साथियों कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, 128 अपना कंप्लीट हो गया तो अपना कोस्ट टू कोस्ट स्टॉप लॉस को लेकर के आ जाएंगे। कोस्ट टू कोस्ट मतलब आप समझ रहे हैं ना कि मार्केट 123 यानी कि 123 अपना स्टॉप लॉस आ जाएगा। 123 अपना स्टॉप लॉस, चलो गुड। 11 पॉइंट 12 पॉइंट गुड। साथियों आप देख सकते हैं कि 123 पर अपनी एंट्री थी, ठीक है। 123 पर अपनी एंट्री थी और 123 से देख लीजिए कंटिन्यू ये 134 के आसपास तक जा चुका है। तो लगभग 11 पॉइंट के आसपास तक जा चुका है। अब हम एग्जिट कब करेंगे, इस चीज़ों को मेन इंपॉर्टेंट है हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसको तो वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है। वॉल्यूम देखिए कितना डेंजर आ रहा है, जितना भी वॉल्यूम था सारे वॉल्यूम को ये वॉल्यूम क्रैक कर चुका है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में मूव है और मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। तो इसलिए अभी हम वेट करेंगे इस पर, ठीक है, वेट करेंगे। अब ये जो कैंडल है, इस कैंडल हम हाई को ब्रेक करने का इंतजार करेंगे। अगर हाई को ब्रेक करता तो फिर हम वेट करेंगे। 135 के ऊपर इसका प्राइस आना चाहिए, 135 के ऊपर, ओके। सो 135 के ऊपर जाएगा तो ही जा करके यहाँ पर मूवमेंट हमें एक और देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 135 के ऊपर इसको प्राइस को जाना बहुत ज़रूरी है। चलो तो वेट करते हैं, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे क्या है कि मार्केट बुलिश मूवमेंट में था एंड अपने को बुलिश मूवमेंट में ही एंट्री मिला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा 2250 का ये कॉल है, ठीक है, और कॉल साइड में एंट्री मिला है तो फुल क्वांटिटी के साथ हम लोग एंट्री कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर पुट साइड में एंट्री मिलता तो फुल क्वांटिटी नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर सोच समझ करके एंट्री करते हैं, बट कॉल साइड में एंट्री मिला तो फुल क्वांटिटी के साथ हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 123 पे अपना स्टॉप लॉस भी है, मतलब प्राइस टू प्राइस कोस्ट टू कोस्ट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक रुपये का यहाँ पे लॉस होने का कोई चांस नहीं है। अगर एक लॉट में 500 लेना होता तो 550 रुपये के आसपास मिल रहा था, ठीक है। तो बट हमें बिलीव है कि थोड़ा हम लोग मार्केट से कम लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखना इस कैंडल को, समझना इस कैंडल को। अब यहाँ पर क्या किया, ये कैंडल इस ना ही हाई को ब्रेक किया और ना ही इसके लो को ब्रेक कर पाया, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ हम लोगों को देखने को मिला। क्या पहला कि अगर ये अब इस कैंडल को हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो फिर अभी रुकना है हमें, अभी रुकना है हमें, ठीक है। तो ये जब तक कैंडल क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम इंतज़ार करेंगे। और अगर एंड इसका प्राइस अगर 135 के ऊपर चला जाता है तो फिर हम अभी लंबे तरीके से वेट करेंगे। 135 के ऊपर चला जाता है, 135 के ऊपर, 135 तो जो हो रहा है लेकिन 135 के ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। तो 12 पॉइंट के आसपास मिल रहा है, बट 135 के ऊपर अगर जो निकलता है तो फिर देखना 135 पॉइंट कुछ तो हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट में मूवमेंट दिख रहा है। तो 135 के ऊपर अगर जाएगा कोई भी कैंडल को लॉज करेगा तो फिर देखना बहुत अच्छा सूट करेगा एंड मार्केट यहाँ से फिर वन वे भागेगा ऊपर की तरफ। तो कुछ नहीं करना है, स्टॉप लॉस को अब हम यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे 128 पे, ठीक है। यानी कि अगर मार्केट नीचे भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा 5 पॉइंट मतलब 250 रुपये पर लॉट के हिसाब से मुझे मिलेगा, ठीक है। तो 128 पे अपना स्टॉप लॉस लेकर के आ जाते हैं हम लोग, 128 पे स्टॉप लॉस लेकर के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चलेगा, सही रहेगा 128 पे स्टॉप लॉस। बाकी वेट करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है मार्केट में, किस हिसाब से मार्केट बिहेव कर रहा है। अभी तक फिलहाल तो स्टॉप लॉस नहीं किया है, देखते हैं क्या होता है, स्टॉप लॉस जाता है कि नहीं जाता है।
देखो लंबे प्रॉफिट चाहिए ना, तो छोटा भी प्रॉफिट आपको लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा अगर और नीचे आता, ये झटका है ठीक है, 128.10 तक आया है ठीक है, 128 तक कंफर्म नहीं हुआ है, इसके चक्कर में एग्जिट नहीं हुआ है ठीक है, तो अभी तक स्टॉप लॉस नहीं किया, बचा हुआ है 128.10 हुआ है। चलो वेट करते हैं थोड़ा सा और, क्योंकि मार्केट इसको जब ब्रेक करेगा ना तो फिर देखना बहुत अच्छा शूट करेगा, क्योंकि मार्केट के ट्रेंड के डायरेक्शन में हम लोग हैं, और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आया है, जो ब्रेकआउट कैंडल है देखना कितना बढ़िया वॉल्यूम है, तो इसी हिसाब से मार्केट में स्ट्रेंथ हमें दिख रहा है। तो 128 पे अपना स्टॉप लॉस है 5 पॉइंट पे ठीक है, एंड इस बार अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता है तो फिर हम लोग ज़्यादा देर इंतज़ार करना पसंद नहीं करते हैं, 136 होना चाहिए, 136 होना चाहिए, तब जा करके हम लोग फिर से वेट करेंगे थोड़ा सा, 134, 135। चलो गुड, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक कर दिया। चलो अब देखना मार्केट अभी निकलेगा, शूट करेगा 137, और ऊपर कैंडल की क्लोजिंग का इंतजार करना है हमें। देखो मार्केट में मूवमेंट होगा तो बहुत अच्छे पॉइंट मिलेगा, मूवमेंट नहीं होगा तो बहुत अच्छे पॉइंट नहीं मिलेगा, तो हमें मूवमेंट का इंतजार करना, अगर मार्केट में मूवमेंट होगा तो पूरी की पूरी हम लेंगे, अगर मूवमेंट नहीं होगा तो पूरा हम नहीं ले सकते, तो जितना मूवमेंट होगा उतना हम कैप्चर करने की जरूर कोशिश करेंगे। साथियों अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं कि मार्केट जहाँ पे हम एंट्री करते हैं वहीं से मार्केट शूट कर जाता है, और ये एथिकल एंट्री होता है, 100% रियल एंट्री होता है, क्योंकि अगर सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है मार्केट में कि आप एंट्री कब करते हैं, एंड एंट्री जब करते हैं वहाँ से आपका स्टॉप लॉस क्या होता है और आपका टारगेट क्या होता है ठीक है, तो जहां पे आप एंट्री करते हैं वहां से देखिएगा मार्केट नीचे आ जाता होगा, लेकिन हम जहां से एंट्री करते हैं मार्केट वहीं से शूट कर जाता है, ऊपर चला जाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर में हम कहां पे एंट्री करते हैं, कैसे एंट्री करते हैं, क्यों एंट्री करते हैं, वजह क्या होता है, तब हमारे वहां से मार्केट शूट करके ऊपर की ओर निकल जाता है, इसके पीछे का राज क्या होता है, ये सारी चीज अगर आप सीखना चाहते हैं तो हम अपने सब्सक्राइबर के लिए लेकर के आए हैं। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो 50% डिस्काउंट में बिगिनर्स के लिए कंटिन्यू, यानी कि अगर आप कुछ नहीं जानते फिर भी हम आपको जीरो से हीरो बना देंगे, एक प्रोफेशनल ट्रेडर आपको हम बना देंगे ठीक है। तो ये आपको सीखना है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सीखने के लिए पूरी डिटेल्स में हम आपको सिखाएंगे, जिसमें आपको 40% का डिस्काउंट, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको 40% का डिस्काउंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, पूरी कोर्स सीखना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होता है, मार्केट में एक्चुअल बाइंग कब होता है, मार्केट में एक्चुअल सेलिंग कब होता है, मार्केट में कब हमको बैठना चाहिए, मार्केट के ट्रेंड डायरेक्शन क्या होता है, पूरी डिटेल्स हम आपको सिखाएंगे कोर्स में। सो 50% का डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब आप हमारे सब्सक्राइबर होंगे ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के ज्वाइन कीजिए कम्युनिटी में, और फिर उसके बाद आप ज्वाइन कर